सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल द मेकिंग सेंटर को, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माधवी और मेरे चैनल द मेकिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कच्चे आम का शरबत कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आम हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आम में पोटेशियम होता है, आम में विटामिन ए विटामिन सी बहुत होता है। हमें रोज़ आम कच्चे आम का शरबत या जलजीरा जो भी आपको पसंद हो वो हमें डेली पीना चाहिए। उससे हमें गर्मियों में लू नहीं लगती है, गर्मियों की प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने 2 मैंगो कच्चे मैंगो को बॉयल कर लिया है। ये मैंने 1/4 कप शुगर लिया है। 4-5 बर्फ के टुकड़े ले लिए हैं। 4-5-6 पुदीना की पत्ती ले ली है। ये मैंने 1 स्पून चाट मसाला, 1 स्पून काला नमक और 1/2 स्पून अदरक को ग्राइंड कर लिया है। और ये भुना हुआ जीरा लिया है मैंने 1 स्पून। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए अपने मिक्सी के जार में सबसे पहले अपने इस आम के गूदे को डाल लेना है। आम के गूदे को डालने के बाद हमें इसमें अपनी शुगर को डाल लेना है। शुगर के बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा। हम भुना हुआ जीरा थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से डेकोरेशन के लिए। और ये हम इसमें अपना अदरक, इसको डालने के बाद इसमें हम पुदीना की 2 लीफ को छोड़ देंगे ऊपर से डेकोरेशन के लिए। बाकी सब हम इसमें टुकड़े करके डाल देंगे। पुदीना से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसको हम डालकर मिक्सी में 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। अब ये हमारा आम पन्ना ग्राइंड हो चुका। हमने अपने ये रस को सारा को ग्राइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये गिलास लेना है। अपने गिलास में हमें ये जो बर्फ के टुकड़े हैं 4-5 इसको हमें डालना है। अगर आप बर्फ़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप ठंडे पानी से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें ये अपना आम रस लेना है। इसके लिए अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप कम डालें। ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने इसमें 3-4 स्पून ये आम का रस जो मैंने बनाया है ये डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी से फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद मुझे इसको स्पून से चला देना है। अब इसको स्पून से चलाने के बाद मैं अपना ये जो जीरा पाउडर मैंने बचाया था इसको मैं ऊपर से ऐसे करके डाल दूंगी। और अपने ये पुदीना पत्ती जो मैंने ली है इससे मैं इसको इसके ऊपर लगा दूंगी। ये हमारा आम का शरबत तैयार है। ये पीने में बहुत टेस्टी है। आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये हमारे गर्मियों से हमें बचाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।